मध्य प्रदेश में सबसे अधिक चंदेली तालाब टीकमगढ़ जिले में होने के कारण यहाँ मत्स्य पालन बड़े स्तर पर किया जाता है। यहाँ लगभग 10,000 तालाबों के 8,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में मछली पालन का कार्य किया जाता है, जिससे 12 से 15 हज़ार परिवारों को पूरे साल का रोजगार मिलता है। यहाँ से झांसी, गोरखपुर, कानपुर और उरई के लिए ट्रक में बर्फ के साथ लोडकर मछली विक्रय हेतु भेजी जाती है। शासन द्वारा मछुआरों को विभिन्न योजनाओं द्वारा मदद देकर मछली उत्पादन को लाभ का धंधा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मछुआ समितियों को अनुदान पर मछली पालन हेतु विभाग द्वारा बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। हम लोग इसमें बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद मछली जब बड़ी हो जाती है तो उसको फिर बेचते हैं और सभी सदस्य बराबरी की भागीदारी से पैसा बांटते हैं, इससे हम लोगों का जीवन यापन चल रहा है। देश में बढ़ती हुई आबादी, बेरोजगारी और पौष्टिक आहार की कमी को देखते हुए मछली पालन का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक फायदेमंद खेती है जिसमें लागत कम और मुनाफा अधिक है और इसे आम आदमी आसानी से कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि मछली पालन के दौरान जरूरत पड़ने पर हर साइज की मछली का मूल्य मिल जाता है। किसान भाइयों, मत्स्य पालन में ना तो अधिक मजदूरी लगती है और ना ही बीमारी लगने की समस्या होती है। ओले और बाढ़ का भी इस पर असर नहीं होता। मत्स्य पालन की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यदि तालाब में पौधे हों तो उनकी सफाई करना चाहिए, नहीं तो ये पौधे तालाब की मिट्टी और पानी में उपलब्ध पोषक तत्वों का उपयोग कर लेते हैं, जिससे मछलियों की बाढ़ में कमी हो जाती है। दूसरे, पेड़ पौधे जाल से मछली पकड़ने में रुकावट पैदा करते हैं। अब जलीय पौधों को हटाने के बाद आप अनावश्यक मछलियों का निष्कासन भी तालाब से कर दें, इससे काम की मछली की बाढ़ में फायदा मिलेगा। किसान भाइयों, इसी तरह से तालाब में यदि बीड फिश हो तो उन्हें भी निकाल देना चाहिए। ये मछलियां खरपतवार की तरह होती हैं जो पाली जाने वाली मछलियों के भोजन को खा जाती हैं। तो किसान भाइयों, अब बारी आती है अगली विधि की। अगली विधि है लाइमिंग। नर्सरी के तल पर 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना फैला देना चाहिए। किसान भाइयों, लाइमिंग के बाद अब आपको करना है मैन्यूरिंग यानी खाद का उपयोग। तालाब में पानी जाने वाली मछलियों की बाढ़ के लिए प्राकृतिक भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, इसके लिए 10,000 किलो यानी 10 टन गोबर का खाद और 500 किलो फर्टिलाइजर NPK एक हेक्टेयर के तालाब में 15 दिन के अंतर में 10 किश्तों में छोड़ देना चाहिए। गोबर का खाद तालाब के कोनों में ढेर लगाकर और फर्टिलाइजर तालाब के पूरे पानी में छिड़क कर डालना चाहिए। इसके बाद बात आती है मत्स्य बीज की। तो किसान भाइयों, तालाब तैयार होने के बाद भरपूर उत्पादन के लिए 6 प्रकार की मछलियों का 10,000 तक बीज अलग अलग अनुपात में एक हेक्टेयर में छोड़ा जा सकता है। किसान भाइयों, मत्स्य बीज का अनुपात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न मत्स्य बीज प्रजातियों का संचय 10,000 मत्स्य बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस अनुपात में किया जाता है। कतला 20%, रोहू 15%, मृगल 20%, सिल्वर कार्प 20, ग्रास कार्प 15 और कॉमन कार्प 10%। किसान भाइयों, इस तकनीक से यदि आप मत्स्य पालन करते हैं तो एक हेक्टेयर तालाब से एक वर्ष में 3,000 किलो यानी कि 3 टन का उत्पादन संभव है। तो किसान भाइयों, तालाब सुधार कार्यों के लिए मत्स्य पालकों को 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण से बैंक के माध्यम से आदिवासी कृषकों को 50% और अन्य कृषकों को 25% अनुदान शासन की ओर से दिया जाता है। साथ ही 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मत्स्य पालकों को प्रथम वर्ष मत्स्य बीज और खाद आदि पर लागत के लिए ऋण दिया जाता है और इस ऋण पर भी उसी प्रकार से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। शासन द्वारा मत्स्य पालकों को विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण और भत्ता भी दिया जाता है। तो किसान भाइयों, अब अंत में बात आती है कुल उत्पादन की और लाभ की। तो आप इस विधि को अपनाकर प्रति हेक्टेयर 3 टन मछली का उत्पादन कर सकते हैं और वर्तमान बाजार के मान से कीमत तय कर विक्रय कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
तो किसान भाइयों, मत्स्य पालन में आपने देखा कि कितनी कम कीमत में और आसानी से आप अच्छा उत्पादन और मुनाफा कमा सकते हैं।